मैंने मंगा लिया है यहाँ पे पॉट्स। पॉट्स की तो कमी हमेशा ही रहती है, मैं तो ग्रोइंग बैग में भी लगाती रहती हूँ। मेरे पास जो भी प्लास्टिक के रैप, मतलब कोई भी राशन में प्लास्टिक का कुछ भी आता है ना, रैपर वगैरह जो भी, मैं फेंकती नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, फिर भी इतना यूज़ करने के बाद भी मुझे पॉट्स की कमी हो जाती है। तो ये मैंने पॉट्स मंगवाए हुए हैं, तो ये आए हैं अभी। अभी सेल लगी हुई थी मीशो पे, तो मैंने पॉट्स मंगवाए हैं। कैसे कैसे आए हैं देखती हूँ अभी। ये वैसे वाले स्टैंड वाले हैं, इसमें स्टैंड थे लगे हुए तो मुझे अच्छे लगे, पर मुझे लग रहा है कि ये तो काफ़ी छोटे लग रहे हैं। चलो ठीक है, जैसे भी मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे वाले मंगवाए, अच्छे लग रहे हैं, पर कलर बहुत प्यारे हैं। पांच मंगवाए मैंने, 250 रुपये के पांच पड़े मेरे को, और 144 के पड़े मुझे पांच, तो उस हिसाब से तो मुझे ठीक ही लग रहे हैं, सस्ते लगे मुझे मार्केट से। इसमें आपको ना यहाँ पे होल करना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसमें पौधा लगाना चाहते हो लगा सकते हो, और अगर आपको ऐसे ही इसमें, अच्छा ये कलर में गलत हो गया, पिंक के साथ पिंक लगना था, इस तरह से अच्छा लग रहा है मुझे तो, अच्छे लगे। आपको एक हेल्प सा हो जाएगा, मैं जब ये, वैसे तो महंगे थे बट अभी सेल लगी हुई थी तो सभी प्लांटर्स में, और इसकी ये सेल देते रहते हैं, सावन के ऊपर सेल लगाई थी इन्होंने, तो इस तरह से आप इसमें कोई पॉट रख के भी इसमें रख सकते हो। बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो, कलर भी बहुत प्यारे कलर आ रखे हैं, बहुत प्यारे कलर लग रहे हैं। ऐसे गमले के साथ भी रख सकते हो इस तरह से, ऐसे तो सुंदर लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छे लगे हैं ये प्लांट्स, मुझे अच्छे लगे प्लांटर्स, मुझे अच्छे लगे। तो आप लोग भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो, रीज़नेबल रेट है और प्यारे लग रहे हैं। और इसमें ना जैसे हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं उसके लिए भी ठीक है, स्टैंड पे लगा हुआ है तो इसके आसपास का सफाई कर सकते हैं हम इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में, और किचन गार्डन में मेरी लगी है बहुत सारी मिर्ची, तो ग्रीन ग्रीन चिली देखो यहाँ पे लगी हुई है, और मैं इसको कर रही हूँ हार्वेस्ट। पता नहीं इस चिली में पता नहीं क्या हो गया है ना, ये ना इस तरह से हो रही है, ये इस तरह से ना ये पिल पिली सी हो रही है, शायद ज़्यादा बारिश की वजह से हो रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। बारिश पड़ने के बाद ना पौधों में जो फल लगे हैं ना वो एकदम झुक रहे हैं, तो देखो ये यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, तो इसमें मिट्टी लगा दूँगी मैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको मिट्टी लगा दी है, इसकी मिट्टी ना मतलब जैसे बारिश पड़ती है बहुत ज़्यादा तो मिट्टी बिल्कुल वैसी हो जाती है, पिलपिली सी गीली सी हो जाती है, तो फिर पौधे देखो इतना फल लगा है इसमें मिर्ची में। तो ये सारे आज मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ, ये सारी मिर्ची मैं अचार बनाऊँगी, क्योंकि इतने सारे फल अगर पौधे में लगे रहेंगे ना तो पौधा क्या होगा, गिरेगा ही ना, क्योंकि वो वेट नहीं संभाल पाएगा, और जो और मिर्ची है ना लग रही है ऊपर उनको ज़्यादा क्या होगा, उनमें ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं लगेगी, तो नीचे के फल निकालने ज़रूरी है। जो हमारी मिर्ची तैयार हो गई है, तैयार तो क्या मतलब जब पीली जब हरी हो जब रेड हो जाती है ना तब तैयार होती है वैसे तो, पर तब तक ये पौधा ही नहीं बचेगा। ये देखो इस तरह से पौधे में पता नहीं कौन सी बीमारी लग रही है, पीली पीली सी हो रही है, देखो ख़राब सी हो रही है मिर्ची, अंदर से काली है देखो। तो इसको मैं सोच रही हूँ ख़राब होने से अच्छा है मैं इसको निकाल के अचार वचार कुछ ऐसा बना लूँ, ताकि ये मेरी यूज़ भी हो जाए और मेरा पौधा भी हल्का हो जाए और इसमें और मिर्चे लगे ज़्यादा 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 ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने कितनी सारी मिर्चे देखो मेरी ख़राब हो गई है, देख रहे हो आप ये सब बारिश की वजह से, ये देखो ये भी मैंने यहाँ पे फेंक दिया है। तो क्या करूँ अब मैं, तो मैं को ये मुझे हार्वेस्ट तो नहीं करना था इतना ज़्यादा, पर अभी कर ही रही हूँ मैं, इसी वजह से कर रही हूँ कि चलो पौधा भी हल्का हो जाएगा और जो मिर्ची हम बचा सकते हैं उसको हम यूज़ कर लें, नहीं तो हमारे को यूज़ करने को भी नहीं मिलेगी। तो यही है छोटी सी मेरी चिली वाली वीडियो, तो हार्वेस्ट करके मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए मैंने कर ली है हार्वेस्टिंग, इस बार
मेरे पतीड़ के पत्ते, अरबी के पत्ते और एक कद्दू भी मेरा निकल आया। देखो कितना बड़ा, 2 किलो कद्दू होगा। ज़मीन में लग गया था, थोड़ी मिट्टी लग गई है, ये देखो। तो ये मेरी है अगस्त की पहली, बरसात की पहली हार्वेस्टिंग, ये देखिए। तो इसका हम बनाएंगे अचार। ये कम से कम ये मिर्चें भी 3 केजी मैंने निकाल ली है, इतनी मिर्चें लग गई है मेरी, ख़राब हो रही है। तो मैं इसे सोच रही हूँ मैं इनको निकाल लूँ, थोड़ा पौधा भी हल्का हो जाएगा। जितना फल मैं निकालूँगी उतना और ऊपर को लग जाएगा। अभी तो है सेप्टेम्बर, अक्टूबर सेप्टेम्बर तक अभी मिर्च लगेगी, अगले महीने तक मिर्च लगेगी, तो अभी तो है टाइम इसका। तो ये देखिए मेरी हार्वेस्टिंग, मैंने हार्वेस्ट करते हुए नहीं दिखाया कि मैं किस तरह से कट कर रही हूँ इसको और मेरे को ये कहाँ मिला। मैं आपको और भी वीडियो की जानकारी दूंगी, और भी मैं जानकारी दूंगी। जो मैंने कद्दू घिया और खीरा लगाया था तो उसका अपडेट मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। तो अभी तो सिर्फ हार्वेस्टिंग है, ये देखिए हार्वेस्टिंग मैंने कर ली और मैं बहुत खुश हूँ।